नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम हाइटस हर्निया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि हाइटस हर्निया है क्या। हर्निया यानी कि हमारे किसी भी बॉडी के एक हिस्से से कोई चीज़ किसी दूसरे हिस्से में जा रही है, यानी कि जैसे अम्बिलिकस हर्निया में नाभि के राउंड छोटा सा होल होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर से आंत या चर्बी निकलकर स्किन के नीचे आ जाती है, तो इसलिए हम उसे हर्निया के नाम से जानते हैं। इसी तरह हाइटस हर्निया में हमारे हाइटस यानी कि वो होल जहां से फूड पाइप चेस्ट में से पेट में एंटर करती है, उस होल से स्टमक निकलकर चेस्ट में चला जाता है। स्टमक एक थैली की शेप का ऑर्गन है जहाँ खाना अगर रुकता है, और ये नॉर्मली हमारे पेट में यानी एब्डोमेन के अंदर होता है, लेकिन हाइटस हर्निया में ये फिसल कर हाइटस यानी होल के अंदर से निकलकर पेट से छाती में चला जाता है। हाइटस हर्निया कई प्रकार का है। टाइप 1 यानी स्लाइडिंग हाइटस हर्निया में जो फूड पाइप और स्टमक का जंक्शन है, वो जंक्शन स्टमक के समेत पेट से खिसक कर छाती में चला जाता है। टाइप 2 यानी पैरा इसोफेजियल हर्निया में स्टमक और फूड पाइप का जंक्शन तो पेट में ही रहता है, लेकिन फिर भी स्टमक का कुछ पार्ट खिसक कर हाइटस के थ्रू पेट में से छाती में चला जाता है। इन दोनों में से मच मोर कॉमन टाइप 1 है, जिसमें कि फूड पाइप और स्टमक का जो जंक्शन है और उसके साथ साथ स्टमक का कुछ पार्ट स्लिप होकर पेट में से चेस्ट में चला जाता है। फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वैल्व का मैकेनिज्म है, जिससे कि खाने वाली चीज़ों को हमारी बॉडी फूड पाइप से स्टमक की तरफ भेजती है, लेकिन उसे स्टमक से वापस फूड पाइप की तरफ या मुंह की तरफ आने से रोकती है। तो हाइटस हर्निया में क्योंकि ये वैल्व खिसक कर चेस्ट में चला जाता है, तो इसका फंक्शन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से खाना खाया हुआ और पी हुई चीज़ें और एसिड जो स्टमक में रहना चाहिए वो वहाँ से स्लिप होकर चेस्ट में आ जाता है, यानी फूड पाइप में आ जाता है। और किसी किसी केसेस में ये इवन मुँह तक आ जाता है, और कभी कभी ये फूड पाइप से स्लिप होकर हमारे सांस लेने वाली पाइप में चला जाता है, जिससे खांसी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, आगे बढ़कर निमोनिया हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स यूजुअली पेशेंट को एसिडिटी की तरह फील होता है, ज़्यादातर पेट भारी भारी रहता है, उल्टी जैसा होना या उल्टी हो सकती है, ये गंदा पानी या खाया हुआ खाना कुछ देर के बाद वापस आपको चेस्ट में फील हो सकता है कि जैसे खाना ऊपर को आ रहा है। कुछ कुछ पेशेंट्स में ये बढ़कर मुंह तक आ जाता है, और ये प्रॉब्लम लेटने पर ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा अगर ये वापस आपके सांस की नली में जाने लगे तो बार बार खांसी होना, निमोनिया होना, अस्थमा की प्रॉब्लम होना, लेटने में दिक्कत करना, रात को भी ये रिफ्लक्स होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होना, नींद ना आना, ये सारी हाइटस हर्निया की निशानियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा इसके से हुई कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्ट्रिक्चर यानी फूड पाइप का सिकड़ जाना, उससे खाना अंदर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन लोगों में खाना खाने के बाद ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स खाना खाने से परहेज करने लगते हैं, जिससे वज़न भी कम हो सकता है। फिर सवाल है कि हाइटस हर्निया होता क्यों है। इसका एग्जैक्ट कारण हर एक पेशेंट में बता पाना तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन कुछ कारण है जिससे ये हर्निया हो सकता है, जैसे कि पेट का प्रेशर बढ़ना, जो मोटापे से बढ़ सकता है, जो लंबी खांसी होने से, बार बार वॉमिटिंग होने से, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होने से, इन सब चीज़ों से हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, एडवांस एज, ये भी रिस्क फैक्टर हैं। किसी किसी पेशेंट्स में वेट लिफ्टिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ लोगों में ये एज सच बर्थ में डिफेक्ट हो सकता है, कि ये जन्मांतरु या बर्थ के टाइम में होने वाला डिफेक्ट भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी रिपोर्ट्स को लेकर ये समझ नहीं पाते कि GERD है या हाइटस हर्निया है और इसमें क्या डिफरेंस है। GERD यानी गैस्ट्रो इसियोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी खाया हुआ खाना या एसिड या जो भी स्टमक में है वो रिफ्लक्स होकर वापस फूड पाइप की तरफ जा रहा है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आपका जो वैल्व है वो फेलियर हो सकता है, या किसी और कारण से ये रिफ्लक्स हो सकता है, लेकिन हाइटस हर्निया इनका एक कारण है। यानी हर पेशेंट जिसको हाइटस हर्निया है, ज़रूरी नहीं कि उसको GERD भी हो,
और हर GERD के पीछे कारण हाइटस हर्निया ही हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत कॉमनली ये दोनों एक साथ देखे जाते हैं। फिर जानना ज़रूरी है कि हाइटस हर्निया को हम कैसे डायग्नोज करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनको एंडोस्कोपी एडवाइस की जाती है, और ज़्यादातर पेशेंट्स में हाइटस हर्निया एंडोस्कोपी की रिपोर्ट में ही देखने को मिलता है। सो हाइटस हर्निया का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है वो एंडोस्कोपी ही है, यानी कि मुंह के रास्ते एक लंबा कैमरा डालकर, स्कोप डालकर हम आपकी पूरी फूड पाइप, स्टमक और जो छोटी आंत का पहला हिस्सा यानी ड्यूडनम है उस सबको जांच लेंगे, और उसी में अगर हाइटस हर्निया है तो उसका भी पता चल जाएगा। उसके साथ साथ अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES ढीला है तो इन रिपोर्ट्स में अक्सर लैक्स LES भी लिखा रहता है, जिसका मतलब कि ये स्फिंक्टर थोड़ा ख़राब है और इससे रिफ्लक्स हो रहा है। एंडोस्कोपी के अलावा कुछ और टेस्ट हैं जैसे मैनोमीट्री और PH मीट्री। ये टेस्ट कुछ पेशेंट्स में किए जाते हैं जिनमें डायग्नोसिस का पक्का पता नहीं चल रहा, या अगर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं और हमें डाउट है कि वाकई हाइटस हर्निया या लैक्स LES की वजह से सिम्टम है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन पेशेंट्स में ये दो और टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं, यानी मैनोमीट्री, PH मीट्री, या PH मीट्री का आजकल एक एडवांस फॉर्म है इम्पिडेंस मीट्री, ये सब भी किए जा सकते हैं। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि क्या हर हाइटस हर्निया के पेशेंट को सर्जरी करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट हर किसी और तरह के हर्निया में हम कहते हैं कि अगर हर्निया हो गया है, डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है, तो जल्द से जल्द सर्जरी करवाइए। लेकिन हर हाइटस हर्निया के पेशेंट को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की एंडोस्कोपी में स्मॉल हाइटस हर्निया लिखा रहता है, लेकिन जब तक इसके साथ जुड़ी हुई और प्रॉब्लम्स नहीं हैं तब तक ज़रूरी नहीं कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो पेशेंट्स जिनमें हाइटस हर्निया 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे, या लगातार दवाई खानी पड़ रही है और उसके छोड़ते ही ये सिम्टम वापस आ रहे हैं, दवाइयों से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, या दवाइयों से कुछ आराम मिल रहा है लेकिन फिर भी पूरा आराम नहीं हो रहा, या हाइटस हर्निया और रिफ्लक्स की वजह से आपको और प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि बार बार खांसी होना, निमोनिया हो जाना, रात को लेटने में दिक्कत होना, खाना प्रॉपरली ना खा पाना, या हाइटस हर्निया से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाना जैसे ईसोफेजाइटिस की वजह से स्ट्रक्चर बनना यानी कि ईसोफेगस की निचला हिस्सा सिकड़ जाना, या एक एंटिटी है बैरेट्स ईसोफेगस जिसकी फर्स्ट स्टेज बहुत अर्ली स्टेज में ये सर्जरी करवानी चाहिए, अदरवाइज इसका कैंसर बन सकता है। सो बात यह है कि आप एट दी अर्लीस्ट उन सर्जन या उन डॉक्टर्स के पास जाइए जो इसका ऑपरेशन करते हैं, ताकि वो आपको देख कर, आपकी जांच कर कर बता पाएँ कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है या नहीं, और अगर ज़रूरी है तो इसको समय रहते करवा लेना चाहिए, नहीं तो बढ़कर ये हर्निया और बड़ा हो सकता है, ये सिंपल ऑपरेशन और मुश्किल हो सकता है। आप दवाइयों से हो सकता है कि आपके सिम्टम्स कम हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीमारी बढ़ सकती है, और जैसे कि हमने कहा कि कुछ एक केसेस में ये कैंसर का भी रूप ले सकती है। इसके कई तरह के ऑपरेशन हैं, लेकिन जो दुनिया भर में सबसे कॉमनली और जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन कहते हैं वो है लैप्रोस्कोपिक फ्लॉपी निसेंस फंडोप्लिकेशन। ये दूरबीन से किया जाता है। इसके कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम जो फूड पाइप है उसका लोअर मोस्ट हिस्से को मोबिलाइज करके छाती में से वापस पेट में लेकर आते हैं, ताकि उसका जो प्रेशर डिफरेंस है पेट का और छाती का वो बराबर उस पर पड़े और उससे रिफ्लक्स होने में कमी आए। दूसरा पार्ट है क्रूरोप्लास्टी, यानी कि वो हाइटस या वो होल जहाँ से ये हर्निया हो रहा है हम उसको छोटा कर देते हैं, ताकि ये हर्निया वापस दोबारा ना हो। और तीसरा पार्ट है फंडोप्लिकेशन, जिसमें हम स्टमक के सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसको फंडस बोलते हैं उसको फूड पाइप के सबसे नीचे वाले हिस्से के अराउंड लपेट देते हैं, यानी कि फंडोप्लिकेशन कर देते हैं, जिससे कि ये रिफ्लक्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा कम होती है। इसके बाद हम इस रैप को क्रूरा के साथ एक स्टिच से जोड़ देते हैं, ताकि ये वापस छाती में टाइम के साथ ना चला जाए। इससे इमीडिएटली रिफ्लक्स में कमी आती है। नेक्स्ट डे जब पेशेंट लिक्विड लेना शुरू करता है तो उसे महसूस होता है कि अब मेरा रिफ्लक्स कम है, और ऑपरेशन की रात भी वो पहले से बेटर सो पाता है। जिन लोगों को लेटने में दिक्कत होती है
लेटते ही उनको रिफ्लक्स फील होता है या वो बेड का सिर वाला हिस्सा ऊंचा रख के सोते हैं, वो ऑपरेशन वाली रात ही काफ़ी बेटर फील करते हैं क्योंकि उनको रिफ्लक्स से काफ़ी निजात मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस हैं, पार्शियल फंडोप्लिकेशंस या एंडोस्कोपिक की तरीके से करने जाने वाले ऑपरेशन। किसी किसी पेशेंट में अगर ये फंडोप्लिकेशन या फ्लॉपी निसेंस फंडोप्लिकेशन ना करना संभव हो उन केसेस में हम कंसिडर करते हैं, पर ज़्यादातर पेशेंट्स में ये ऑपरेशन काम करता है और यही ऑपरेशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के अलावा कौन से वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं इस रिफ्लक्स की बीमारी से कमी पाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट को चेंज कीजिए। डाइट के अंदर वो चीज़ें जिससे आपको रिफ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोई भी क्रीम वाली चीज़ या कोई भी तली हुई चीज़ जैसे समोसे, पेस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें बंद कीजिए, इनसे रिफ्लक्स बढ़ता है। फिर मिंट वाली चीज़ें जैसे मिंट वाला च्युइंगम या एज सच मिंट वाले ड्रिंक्स, ये बंद कीजिए, इससे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होता है और रिफ्लक्स बढ़ता है। इसके अलावा अपनी बॉडी में स्ट्रेस को कम कीजिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है रिफ्लक्स होने का, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीविंग चीज़ें कीजिए, किसी स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में इंजॉय कीजिए, लाइफ में ऐसी चीज़ें लेकर आइए जिससे स्ट्रेस कम हो, और किसी भी तरीके से चाहे योगा से या शाम को घूमकर फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके स्ट्रेस कम कीजिए, उससे भी एसिडिटी में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फिर किसी भी टाइप की चिल्लीज जैसे लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, किसी भी टाइप का स्पाइसेस जो हैं ये एसिडिटी बढ़ाते हैं, सो इनका सेवन ऑलमोस्ट बंद कर दीजिए, इनके बिना सब्जी बनाइए, उससे भी एसिडिटी में काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर सिट्रस ड्रिंक्स या बहुत खट्टी चीज़ें, बहुत खट्टा नींबू पानी, खट्टे जूसेस, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये भी एसिडिटी बढ़ाते हैं। फिर एक टाइम में पेट भरकर खाने की आदत को बदलिए। दिन में 3 टाइम खाने के बजाय आप अपने खाने को 5 या 6 टाइम में खाइए, लेकिन हर टाइम थोड़ा थोड़ा करके खाइए, अच्छे से चबाकर थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाइए, ताकि हमारा पेट में अगर खाना कम जाएगा तो एसिड भी कम सिक्रेट होगा और इससे आपके सिम्टम्स भी कम होंगे। फिर हैवी वेट लिफ्टिंग जैसी चीज़ें अवॉइड कीजिए जिससे पेट का प्रेशर बढ़े। रात को सोने के टाइम में अपने नीचे वाले हिस्से में कपड़े ढीले पहनिए ताकि पेट में ज़्यादा टाइट ना हो और रिफ्लक्स ना हो, और हमेशा सीधा सोने की कोशिश कीजिए, पेट के बल ना सोइए ताकि पेट पर प्रेशर ना पड़े। रात को सोते टाइम आप अपने सिर वाले हिस्से को थोड़ा ऊंचा रखिए, और अपने बेड के सिर वाले हिस्से के नीचे अगर आप 6 इंच ऊंचा कर लें, चाहे कुछ ईंटें रख लें या किसी और मेथड से, तो उससे भी ये रिफ्लक्स के सिम्टम्स आपको कम होते नज़र आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने रिफ्लक्स के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको नज़रअंदाज ना कीजिए। अगर वाकई अंदर प्रॉब्लम है, लैक्स एलियस है, आपका हाइटस हर्निया है और रिफ्लक्स ज़्यादा है, और अगर ये सिंपल मेथड से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जल्द ही किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को जो इन चीज़ों में डील करते हों उनसे मिलिए। बहुत सारे ऐसे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं और सर्जन्स भी हैं जो इन ऑपरेशंस में डील नहीं करते, और वो बहुत सारे पेशेंट्स को ये सलाह नहीं देते कि टाइमली ऑपरेशन करवाएं, जिससे ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ सकती है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत सालों से ये प्रॉब्लम है, लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी किसी ने सलाह नहीं दी कि इसका ऑपरेशन करवाइए, और ये अंदर ही अंदर बढ़ता गया। हाइटस हर्निया के ऑपरेशन आजकल दूरबीन से किए जाते हैं, इनमें कोई मेजर चीरफाड़ नहीं होती, और जो छोटे से होल होंगे उन पर भी कोई बाहर आपको टांका नहीं नज़र आएगा, अंदर ही अंदर सभी स्टिचेस भी घुल जाएंगे और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। सेम डे ऑफ सर्जरी पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, लिक्विड लेना शुरू कर देता है, और अगले दिन या उससे अगले दिन उसको छुट्टी हो जाती है और सिम्टम्स उसके इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाते हैं। सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेप्रोस्कोपी को अपनाइए और ये सिंपल सा ऑपरेशन करवाकर अपने सभी प्रॉब्लम से निजात पाइए। ये ऑपरेशन काफ़ी सेफ भी है क्योंकि इसमें कोई आंत को काटा नहीं जाता, कोई उसमें जोड़ नहीं बनाया जाता, और अंदर मेजर कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क भी काफ़ी कम रहता है। सो
टाइमली अपना एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो इस ऑपरेशन को करते हों उनको दिखाकर अपना इलाज करवाइए और अपनी लाइफ खुलकर जीना शुरू कीजिए। थैंक यू।